friends, welcome to Master's Concept Series. In this lecture, I am going to start routing. We know that any computer system which is connected on the network and they want to send a packet to the destination computer system, they require IP addresses or logical addresses. So using their destination address, they can send the packet to the destination computer system. Okay? So IP address is needed for all hosts in the internetwork to communicate across that internetwork. ठीक है, वो दोनों computer systems internet के किसी भी portion पे अगर connected हों, they can communicate using the IP address. Okay? So ये कैसे possible है? How it is possible कि अगर हम packet में दूसरे computer system का destination address feed करते हैं और हम सेंड करते हैं तो वो रीच कर जाता है. सो दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ राउटर. ओके, सो ट्रांसमिट अ पैकेट फ्रॉम वन डिवाइस एंड सेंड इट थ्रू द नेटवर्क टू अनदर डिवाइस ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क इज कॉल्ड राउटिंग. सो ये जो प्रोसीजर है कि हम कोई भी पैकेट को सोर्स कंप्यूटर सिस्टम से सेंड करते हैं, वो वाया नेटवर्क के थ्रू ट्रेवर्स करते हुए हमारे डिस्टाइंड जो मेरा कंप्यूटर सिस्टम है वहाँ पे रीच कर जाता है, तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं राउटिंग. ठीक है, और राउटिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो है L3 डिवाइस की, मीन्स राउटर की. ओके, सो हमें अगर डेस्टिनेशन कंप्यूटर सिस्टम को अगर पैकेट सेंड करना है, देन वी नीड डेस्टिनेशन IP एड्रेस. ठीक है, और डेस्टिनेशन IP एड्रेस की हेल्प से राउटर डिसाइड करता है कि इस पैकेट को हमें किस पाथ से सेंड करना है. राइट, सो राउटर इज द डिसीजन मेकर. सो हाउ राउटर विल डिसाइड? सो राउटर मेंटेन्स अ राउटिंग टेबल. राइट, राउटर मेंटेन्स अ राउटिंग टेबल, और राउटिंग टेबल में डिफरेंट फील्ड होते हैं, लाइक नेटवर्क ID, देन सबनेट मास्क, ओके, देन नेक्स्ट होप, देन मेट्रिक means cost. So these fields is maintained in the routing table, and using this field router will decide कि उसे किस इंटरफेस से सेंड करना है. ठीक है, क्योंकि राउटर में मल्टीपल इंटरफेस होते हैं एंड ईच इंटरफेस इज कनेक्टेड विथ डिफरेंट नेटवर्क. ठीक है, और किस नेटवर्क को हमें सेंड करना है वो राउटर डिसाइड करता है इस राउटिंग टेबल को देख के. ओके, सो राउटर डिसाइड ओनली द बेस्ट पाथ टू ईच नेटवर्क. जो भी शॉर्टेस्ट पाथ हुआ, मतलब बेस्ट पाथ का मतलब हुआ कि जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है उस पाथ से हम उस पैकेट को फॉरवर्ड कर दें. ठीक है, ये डिसीजन लेता है राउटर. ओके, सो वी नो इन द नेटवर्क देयर आर मल्टीपल अपडेट हैपन. कभी कोई नेटवर्क जो है डाउन हो गया या कोई राउटर क्रैश हो गया, सो देर आर मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग इन द नेटवर्क. तो इसके लिए हमें नेटवर्क में ऑल द टाइम हमारे राउटर को अपडेटेड रखना पड़ेगा, तभी राउटर जो है वो करेक्ट डिसीजन ले पाएगा. सो देर आर टू वेज टू अपडेट द राउटिंग टेबल. वन इज स्टैटिक राउटिंग एंड अनदर इज डायनेमिक राउटिंग. स्टैटिक राउटिंग में हम जानते हैं कि वी एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल टू अपडेट द चेंज इन टू ऑल राउटर्स. मीन्स मैनुअल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है यहाँ. यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐसा कुछ नहीं होगा. एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राउटर को वो अपडेट करे, राउटिंग टेबल को वो अपडेट रखे, ताकि राउटर जो है प्रॉपर डिसीजन ले सके. ठीक है, और सेकेंड वन इज है डायनेमिक राउटिंग. सो टू डायनेमिकली अपडेट राउटिंग टेबल व्हेन एनी अपडेट अकर्ड इन द नेटवर्क. हम यहाँ डायनेमिकली राउटिंग टेबल को अपडेट करते हैं. ठीक है, इस डायनेमिक राउटिंग के थ्रू. ठीक है, सो ये पॉसिबल कैसे है? सो वी नीड अ प्रोटोकॉल ऑन वन राउटर कम्युनिकेट्स विद द प्रोटोकॉल ऑन द अनदर राउटर. और दोनों प्रोटोकॉल सेम होंगे. ठीक है, टू सेम प्रोटोकॉल्स एंड बोथ प्रोटोकॉल विल कम्युनिकेट टू ईच अदर. और दोनों प्रोटोकॉल डिफरेंट राउटर पे एग्जीक्यूट कर रहे होंगे. राइट, और डिफरेंट राउटर का मतलब हुआ नेबर राउटर.
मीन्स अगर दो राउटर एक दूसरे कनेक्टेड होंगे तो दोनों राउटर एक दूसरे कम्युनिकेट करेंगे, वही कर सकते हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हो, ठीक है। मीन्स उसको हम कहते हैं नेबर राउटर, राइट। जैसे मेरा ये राउटर है, ठीक है, एंड इसके साथ कोई नेटवर्क है। दिस राउटर इज ऑल्सो प्लेस्ड इन द नेटवर्क, ठीक है। तो इस इसके पास राउटिंग टेबल होगा और इस राउटर के पास राउटिंग टेबल होगा, राइट। सो बोथ राउटर विल कम्युनिकेट यूजिंग अ प्रोटोकॉल, ठीक है। और उस प्रोटोकॉल के हेल्प से, क्योंकि जो डायरेक्टली कनेक्ट होगा इस राउटर से, इस राउटर के पास दूसरे राउटर की इंफॉर्मेशन नहीं होगी दूसरे राउटिंग टेबल की, बट इस राउटर के पास इसकी इंफॉर्मेशन होगी इस राउटर की, ठीक है। तो वो शेयर करेगा राउटिंग पाथ का के लिए कि इस राउटर को, कि नेटवर्क में अगर कोई फॉल्ट है तो हम डिफरेंट पाथ यूज़ कर सकते हैं। सो ऑल दीज स्टफ्स दे विल शेयर, और जो भी राउटिंग टेबल में अपडेट होगा उसके अकॉर्डिंग राउटर डिसीजन लेगा कि इस पाथ किस पाथ से हमें जाना चाहिए, राइट। ठीक है, नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क जहाँ एक कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड है एंड दे आर सेंडिंग सम पैकेट टू दी अनदर कंप्यूटर सिस्टम जो कि डिफरेंट नेटवर्क में कनेक्टेड है। एंड वी हैव टू नोटिस दैट हाउ राउटिंग टेबल इज यूज बाय द राउटर, ठीक है। सो इन आवर नेटवर्क कॉन्फिग्रेशन वी विल सी फोर लैन एंड थ्री वैन, ओके। फोर लैन का जो आई पी एड्रेस होगा वो होगा 172.156.x.0/24 एंड वैन के लिए होगा x.0.0.0/8, ओके, राइट। सो दिस इज राउटर, ये राउटर कनेक्टेड है स्विच से। दिस इज फर्स्ट लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये फास्ट इथरनेट से कनेक्टेड है। दिस नेटवर्क इज कनेक्टेड विथ वैन लिंक, ओके, and its interface is called as 00. This is another interface, this is different router, so this is the interface as 00. Or this router is also connected with one local area network. This is system, okay, and this is another router. This router is also connected with one switch. Okay. And this router is also connected with another router. और ये WAN link है इसका, ये S00 हमने already use कर लिया, then S01 and this is S00, this is serial link interface. और ये मेरा स्विच है, इसके साथ सिस्टम कनेक्टेड है, ठीक है, राइट। नाउ वी हैव टू असाइन नेटवर्क आईडी टू ईच द नेटवर्क। तो फॉर दिस नेटवर्क 172.156.1.0, फॉर दिस नेटवर्क 172.166.2.0, ओके, देन 172.156.3.0 एंड 172.156.4.0, राइट, ओके। और जितने भी वैन लिंक हैं
उनके लिए भी हम नेटवर्क आईडी असाइन करेंगे. दिस इज़ वन वैन लिंक, दिस इज सेकेंड वैन लिंक, दिस इज थर्ड वैन लिंक. ओके राइट. तो वैन लिंक के लिए जो हमारे पास आईपी एड्रेसेस हैं वो हैं 1.0.0.0. फॉर दिस लिंक 1.0.0.1, सॉरी 2.0.0 एंड 3.0.0.0. यह इसका नेटवर्क आईडी राइट. अब हमें हर इंटरफेस के लिए आईपी एड्रेस असाइन करना होगा और जो भी कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड है नेटवर्क में उनके लिए. ओके तो दिस इंटरफेस बिलोंग्स टू दिस नेटवर्क 1.0.0.0. तो इसके लिए जो आईपी एड्रेस होगा S00 के लिए जो हम जिस इंटरफेस के लिए जो आईपी एड्रेस हम असाइन करेंगे वो होगा 1.0.0.1 और इसके लिए 0/0 जो डिफरेंट राउटर में है उसके लिए 1.0.0.2 राइट. ये इसका है और ये इसका है ठीक है. एंड फॉर दिस इसके लिए ये इंटरफेस बिलोंग कर रहा है 172.156.2.0 के लिए और दिस इंटरफेस इज़ यूज एज ए डिफ़ॉल्ट गेटवे फॉर दिस लोकल एरिया नेटवर्क. तो इसके लिए जो एड्रेस होगा और ये इसका जो इंटरफेस है वो F00 है राइट. तो F00 इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेस असाइन होगा 172.156.2.254 जो भी वैलिड होस्ट है, वैलिड होस्ट का जो सबसे एंड का होस्ट है वो एड्रेस हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे को असाइन कर दिया. ओके एंड दिस इज ऑल्सो फास्ट इथरनेट F00. तो इस इंटरफेस के लिए 172.156.3.254 ओके ठीक है. और दिस इंटरफेस दिस इज सीरियल लिंक सो S01 और दिस इज ऑल्सो S00 ओके. और इनके लिए जो हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे जैसे इस लिंक के लिए दिस लिंक बिलोंग्स टू दिस नेटवर्क 2.0.0.0 तो जो S01 के लिए जो हम असाइन करेंगे वो हो जाएगा 2.0.0.1 और S00 इसके लिए होगा 2.0.0.2 राइट. ओके नाउ वी हैव टू असाइन आईपी एड्रेस फॉर दिस इंटरफेस. तो इस इंटरफेस के लिए S01 किस लिंक किस नेटवर्क में 3.0.0.0 में है तो दिस इज 3.0.0.1 और इसके लिए हो जाएगा 3.0.0.2 राइट. ओके नाउ दिस कंप्यूटर सिस्टम्स वांट टू सेंड अ पैकेट टू दिस कंप्यूटर. तो सपोज दिस इज होस्ट ए ओके और इसका जो आईपी एड्रेस है वो है 172.156.1.1 राइट. और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा वो है 172.156.1.254 इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा 254 राइट. ओके दिस इज डिफ़ॉल्ट गेटवे और
ठीक है, और इससे इस होस्ट ए को सेंड करना है पैकेट होस्ट बी को, राइट। तो होस्ट बी का आईपी एड्रेस यहाँ क्या है, होस्ट बी के लिए जो आईपी एड्रेस है वो है 172.156.3.1, और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो है 172.156.3.254, ओके राइट। तो होस्ट ए को सेंड करना है पैकेट होस्ट बी को, बट टू सेंड अ पैकेट फ्रॉम होस्ट ए टू होस्ट बी, होस्ट ए हैव टू नो अबाउट द आईपी एड्रेस ऑफ होस्ट बी। तो इसको होस्ट बी का आईपी एड्रेस कैसे मिलेगा, सो होस्ट ए में वेब ब्राउजर विल सेंड अ डीएनएस क्वेरी रिक्वेस्ट, सो डीएनएस क्वेरी विल रिजॉल्व द डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस, ओके। सो इससे ये होस्ट ए को इसका आईपी एड्रेस रिसीव हो जाएगा, तो जो डेस्टिनेशन आईपी है जो मिला वो है 172.156.3.1, दिस इज डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। नाउ पैकेट हैव डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, नाउ पैकेट विल रिसीव्ड एट द राउटर। तो यहाँ राउटर को डिसाइड करना होगा कि वो उसे उस पैकेट को किस इंटरफेस से सेंड करना है, तो किस इंटरफेस से सेंड करना है उसके लिए वो राउटिंग टेबल चेक करेगा कि व्हाट इज़ द फील्ड, मींस नेटवर्क आईडी इस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग राउटिंग टेबल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो राउटर फर्स्ट राउटर के लिए, दिस इज राउटर फर्स्ट, दिस इज राउटर सेकेंड, दिस इज राउटर थर्ड एंड दिस इज राउटर फोर। तो राउटर फर्स्ट के लिए जो नेटवर्क आईडी का जो लिस्ट है राउटिंग टेबल में वो हम देखेंगे, दिस इज नेटवर्क आईडी, दिस इज नेक्स्ट होप एंड दिस इज मैट्रिक्स, दिस इज द फील्ड ऑफ राउटिंग टेबल। इससे ज़्यादा भी फील्ड होते हैं बट इन दिस केस वी विल यूज दिस वन ओनली। सो नेटवर्क आईडी फॉर राउटर आर वन के लिए क्या क्या होगा, फॉर राउटर आर वन के लिए 172.156.1.0, इसके लिए 1.0.0.0, और ये नेटवर्क कनेक्टेड है राउटर से 2.0.0.0, ओके। नेक्स्ट होप क्या होगा, 172 का जो नेटवर्क है इसका जो है F00, और 100 के लिए S, दिस इज सीरियल लिंक, और 200 के लिए S01, ओके। नाउ राउटर विल चेक द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कि ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस किस नेटवर्क में बिलोंग कर रहा है, राइट। तो ये डेस्टिनेशन आईपी बिलोंग कर रहा है 172.156.3 नेटवर्क में, बट एंट्री जो है इस नेटवर्क का राउटिंग टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो राउटिंग टेबल हैव टू ड्रॉप दिस पैकेट बिकॉज देर इज नो एनी पाथ एग्जिस्ट फॉर दिस पैकेट, राइट। बट इन अनदर मैनर वन मोर एंट्री विच इज कॉल्ड डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे इज यूज्ड इन द राउटिंग टेबल। डिफॉल्ट गेटवे क्या करता है कि अगर राउटिंग टेबल में अगर कोई भी एंट्री नहीं है तो क्या करेगा कि वो उस डिफॉल्ट गेटवे से उस पैकेट को राउट कर दिया जाएगा, और इसका जो नेक्स्ट होप होगा वो डिपेंड करता है कि प्रेफरेबल पाथ क्या है, राइट। तो अगर हम पैकेट को इधर से ट्रेवर्स करते हैं देन इट विल नॉट रीच टू द डेस्टिनेशन, अगर इस पाथ से हम ट्रेवर्स करते हैं तो वी कैन रीच, तो दिस इज द प्रेफरेबल पाथ। और जो नेक्स्ट होप होगा, नेक्स्ट होप क्या है, दिस वन, वो होगा 1.0.0.2, दिस इज द नेक्स्ट होप। तो इस एड्रेस पे मेरा पैकेट ट्रेवर्स कर जाएगा, ठीक है। नाउ व्हेन पैकेट इज रिसीव्ड एट द राउटर R2, तो
तो हम राउटर R2 पे भी राउटिंग टेबल वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो राउटिंग टेबल हम R2 का देखते हैं। R2 का जो राउटिंग टेबल होगा उसमें नेटवर्क आईडी, देन नेक्स्ट होप एंड मैट्रिक्स, ओके। तो ये R2 किससे कनेक्टेड है? सबसे पहले 172.156.2.0, 172.156.2.0, ओके। देन दिस नेटवर्क 1.0.0.0 एंड 3.0.0.0, राइट। 1.0.0.0 एंड 3.0.0.0, और इन तीनों का जो नेक्स्ट होप है इसके लिए फास्ट इथरनेट F00, देन S00, देन S01। तो इसके लिए है F00, देन S00, देन S01, ठीक है। तो यहाँ भी जो डेस्टिनेशन आईपी है 172.156.3, ये नेटवर्क आईडी भी यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस केस में हम फिर डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ करेंगे। दिस पैकेट इज राउटेड टुवार्ड्स डिफ़ॉल्ट गेटवे, और जो इसका नेक्स्ट होप होगा वो होगा प्रेफरेबल पाथ। प्रेफरेबल पाथ की एंट्री होगी हमारे राउटिंग टेबल में, और ये प्रेफरेबल पाथ होगा 3.0.0.2, ओके, 3.0.0.2। और फाइनली हम इस राउटर पे आ जाएंगे। नाउ वी विल चेक राउटिंग टेबल ऑन राउटर R3। तो R3 राउटर का हम राउटिंग टेबल चेक करेंगे। R3 के लिए दिस इज नेटवर्क आईडी, दिस इज नेक्स्ट होप एंड दिस इज मैट्रिक्स, ओके। और इसके लिए जो मेरे पास नेटवर्क आईडी है वो है 172.156.3.0 और 3 के नेटवर्क में, ठीक है। तो 172.156.3.0, देन 3.0.0.0, राइट। और इन दोनों का जो नेक्स्ट होप है इसका है F00, इसका है S00। इसका जो है वो है F00, ये है S00, राइट, ओके ओके। सो व्हेन पैकेट इज रिसीव्ड एट दिस राउटर, तो इस राउटर में भी इस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को वेरीफाई किया जाएगा, और इसका आईपी एड्रेस है 172.156.3, एंड इट्स दिस इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी हमें पता चल गया, मीन्स वी नो व्हाट शुड बी द इंटरफेस। तो उस पैकेट को इस इंटरफेस से ट्रेवर्स कर दिया जाएगा, राइट। और फाइनली हम अपने होस्ट पे पहुंच जाएंगे, अपने होस्ट पे हम होस्ट मेरा जो है वो रिसीव कर लेगा पैकेट को। बट जनरली ऐसा होता नहीं है इजीली, बिकॉज जब हम राउटर पे इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, और जब व्हेन राउटर कम टू नो दैट व्हाट इज़ द नेटवर्क आईडी, ठीक है, तो उस केस में राउटर के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगा? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इसके पास रहेगा। तो यहाँ पे एक एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है ARP, इट विल रिजॉल्व दी आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस, राइट। तो यहाँ पे राउटर चेक करेगा कि इस पैकेट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई मैक एड्रेस अवेलेबल है कि नहीं। मीन्स ARP जो क्या करता है वो होस्ट का आईपी एड्रेस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस होस्ट का मैक एड्रेस की एंट्री रखता है ARP टेबल में, ठीक है। तो होस्ट क्या करता है, ARP टेबल में क्या होता है कि आईपी एड्रेस होता है
और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस की एंट्री होती है ARP टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे जो ARP रिक्वेस्ट जाएगा तो जो आईपी एड्रेस वेरीफाई करेगा, जिसका आईपी एड्रेस होगा, ARP रिक्वेस्ट में एक आईपी एड्रेस की फील्ड होती है, वहाँ पे अगर वो ARP रिक्वेस्ट जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है पैकेट को, ARP रिक्वेस्ट इज द ब्रॉडकास्ट पैकेट, तो जो कंप्यूटर सिस्टम का आईपी एड्रेस मैच कर जाएगा वो ARP रिप्लाई भेजेगा, उस ARP रिप्लाई में ये कंप्यूटर सिस्टम अपना मैक एड्रेस सेंड करेगा जहाँ से ARP रिक्वेस्ट आई है, देन दैट पैकेट इज सेंड टू द स्विच और स्विच पे एंट्री होती है मैक एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग पोर्ट इंटरफेस की, मैक एड्रेस, मैक और पोर्ट इस स्विच का, इसको हम कहते हैं फॉरवर्डिंग टेबल। तो इस मैक एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी इंटरफेस होगा उस इंटरफेस के थ्रू पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और दैट होस्ट विल रिसीव द पैकेट, ओके। दिस वे वी कैन सेंड द पैकेट वाया नेटवर्क टू द डेस्टाइंड होस्ट, ओके, ठीक है। सो वेल वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड दैट वन कंप्यूटर सिस्टम कैन सेंड द पैकेट टू द अनदर कंप्यूटर सिस्टम वाया नेटवर्क। नेटवर्क में मल्टीपल राउटर्स होते हैं, ऑल राउटर्स विल चेक द इनकमिंग पैकेट एंड चेक देयर डेस्टिनेशन आईडी और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस एंड वेरीफाई वेदर इट्स नेटवर्क आईडी इज एग्जिस्ट इन द राउटिंग टेबल और नॉट। सो एज पर देयर वेरिफिकेशन दे विल राउट द पैकेट, और राउटर जो है वो एक प्रेफर्ड पाथ चूज करता है, मीन्स शॉर्टेस्ट पाथ चूज करता है। सो वो चूज कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ राउटिंग टेबल। सो इंटरनेट में न्यूमेरस और ह्यूज अमाउंट ऑफ राउटर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट इज द ह्यूज नेटवर्क है, उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ राउटर भी अवेलेबल होंगे, और हर एक राउटर की राउटिंग टेबल को अपडेट करना होता है डायनामिकली। सो इंडिविजुअल या किसी एक पर्टिकुलर राउटिंग प्रोटोकॉल के हेल्प से अगर हम अपडेट करें दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इंडिविजुअल राउटिंग प्रोटोकॉल के नॉट हैंडल दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ राउटिंग टेबल। तो इन दैट केस इंटरनेट हैज टू डिवाइड इनटू द ऑटोनोमस सिस्टम। वेल व्हाट इज ऑटोनोमस सिस्टम? सो ऑटोनोमस सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स एंड राउटर्स अंडर द ऑथोरिटी ऑफ सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब हुआ कि ये जो ऑटोनोमस सिस्टम है किसी लार्ज कंपनी के लिए डेडिकेटेड होता है और उसको जो हैंडल करने के लिए सिर्फ एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन ही उसको हैंडल करता है होल ऑटोनोमस सिस्टम को, ठीक है। जैसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कि जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, दीज आर द लार्ज एजेंसीज और इनका एक अपना ऑटोनोमस सिस्टम होता है एंड दे विल मेंटेन देयर ऑटोनोमस सिस्टम एंड दे विल चूज देयर ओन लोकल राउटिंग एल्गोरिदम्स, ठीक है। तो जो भी राउटिंग एल्गोरिदम हम विद इन ऑटोनोमस सिस्टम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इंट्रा डोमेन राउटिंग, और जो भी एल्गोरिदम या राउटिंग एल्गोरिदम हम यूज करते हैं बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम, क्योंकि देर आर मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम एग्जिस्ट। जैसे किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक ऑटोनोमस सिस्टम, इसमें मल्टीपल राउटर्स हैं, राइट, ये मल्टीपल राउटर्स हैं और दिस इज अनदर ऑटोनोमस सिस्टम, दीज आर ऑल कनेक्टेड लाइक दिस, दिस इज अनदर कंप्यूटर, अनदर ऑटोनोमस सिस्टम, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड, ओके। और ये जितने भी जो ऑटोनोमस सिस्टम गिवन है ये सभी कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से, ताकि दे आर एबल टू राउट दी पैकेट फ्रॉम वन ऑटोनोमस सिस्टम टू अनदर ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है। तो जो भी राउटर हम यूज करते हैं, जो भी राउटिंग एल्गोरिदम यूज करते हैं विद इन दिस ऑटोनोमस सिस्टम, तो हम उसको इंट्रा डोमेन राउटिंग बोलते हैं, और बिटवीन जो ऑटोनोमस सिस्टम के बीच जो भी राउटिंग हो रहा है दैट इज कॉल्ड इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है। इन दोनों के लिए प्रोटोकॉल्स भी डिफरेंट होते हैं,
ओके सो हमने डिफाइन किया है राउटिंग प्रोटोकॉल. देर आर टू काइंड्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल. वन इज इंट्रा डोमेन राउटिंग, अनदर इज इंटर डोमेन राउटिंग. क्योंकि एक जो है इंट्रा डोमेन राउटिंग, ये विद इन ऑटोनोमस सिस्टम में यूज होता है, और इंटर डोमेन राउटिंग में बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम यूज होता है. राइट ओके. इंटर डोमेन राउटिंग में हम दो एल्गोरिदम यूज करते हैं. दैट इज फर्स्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एंड सेकेंड वन इज लिंक स्टेट राउटिंग. डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोटोकॉल है वो है राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और लिंक स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल जो होता है. और दोनों प्रोटोकॉल जो है वो विद इन ऑटोनोमस सिस्टम यूज होगा. ओके एंड दिस इज इंटर डोमेन राउटिंग. ये पाथ वेक्टर एल्गो यूज करता है, और जो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम उसमें हम बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल का यूज करते हैं. ठीक है ओके. वेल स्टूडेंट्स, आज हमने राउटिंग देखा इस क्लास में. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. ठीक है, तो हमने राउटिंग एल्गोरिदम देखा, और हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लिंक स्टेट राउटिंग जो कि इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है. ओके वेल यू कैन सी द अपकमिंग लेक्चर. वेल वी आर गोइंग टू फिनिश दिस टुडेज लेक्चर. थैंक यू.